अगर किसी इंदौरी से पूछा जाए कि इंदौर में सबसे सस्ते और बेस्ट क्वालिटी के जूते कहाँ मिलेंगे तो सभी एक नाम लेते हैं, नर्मदा नगर। नर्मदा नगर की कम्युनिटी 40 साल से भी ज्यादा समय से जूते बना रही है और इनके जूते बाहर भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यहाँ ना तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता है और ना ही दाम ज्यादा होता है, इसी कारण इंदौर के लोग अक्सर यहाँ पर जूते खरीदने के लिए आते हैं। यहाँ पर आपकी डिमांड के अनुसार जूतों को कस्टमाइज भी किया जाता है। डैम झरने कितने सालों से जूते बन रहे हैं? 40-45 साल हो गए। किस तरह के जूते बन रहे? हाथ के बनाए हुए बेचते थे पहले, अब ये मशीन से बनाने वाले बेच रहे हैं। वजन के हिसाब से भी जूते बनते हैं? हाँ बनते ना। आप कितने सालों से कर रहे हैं? मैं 45 साल हो गए, 40 साल। तब में और अब में कितना अंतर आया है? अभी तो बहुत अंतर आ गया, और बने हुए जूते अब बिकते नहीं, तो अब ये बनवा बनाने लग गए कारखाने। सिले वाले भी बनाए हमने, फिर चिपकाने वाले भी बनाए, सीट सोल के बनाए, फिर ये अब पीवीसी सोल के बन रहे हैं। ये बाहर भी जाते हैं, सब दूर बिकता है। जमाने के हिसाब से अब इन जूतों की डिजाइन में बदलाव आ रहा है, रंग भी बदल रहे हैं, लेकिन लोगों का इन दुकानों पर विश्वास आज भी उसी तरह कायम है। मेरा नाम नेहा झरने है, मेरे पापा प्रेमलाल झरने और उनके भी पापा मेरे दादाजी घनश्याम झरने शूज़ का बिजनेस करते आए हैं। वो खुद बनाते थे अपने लकड़ी के जूते और चमड़े के जूते, जो कि वज़न द्वारा भी बनाए जाते थे और हर किसी कस्टमाइज कस्टमर के अकॉर्डिंग बनते थे। ये पूरा एरिया नर्मदा नगर, यहाँ पर कम से कम 50 दुकानें हैं, सारे सब मिलकर इस टाइप की चप्पल जूते बनाते हैं और ये यहाँ पर से अदर वेबसाइट्स पे भी बिकती है और अदर कंट्रीज़ में भी यहाँ से सारा सेल होता है। और जो ये फिनिशिंग है, ये सारी चीज़ें रीज़नेबल अमाउंट के लिए इस यहाँ की जगह फेमस है कि रीज़नेबल अमाउंट में हम हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल कर रहे हैं। बाकी और भी वेराइटीज़ में चीज़ें बिकती हैं और हम खुद बनाते हैं, वो सारी यहाँ पर शो करा है डिस्प्ले में, वो आप देख सकते हैं। पहले के समय के डिज़ाइन और अब में कितना अंतर आया है? पहले लोग नॉर्मल डिज़ाइंस यूज़ करते थे, जो एक दो ही डिज़ाइन चलती थी, अब वेराइटीज़ ऑफ डिज़ाइंस आ चुकी है क्योंकि वो अदर कंट्रीज़ के जो मतलब इंस्टाग्राम का जो बूम है उसके रिगार्डिंग सारी जो वहाँ की वेस्टर्न कल्चर फॉलो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही है, तो न्यू बिल्ड करना पड़ रहा है, तो हम भी उसमें मॉडर्नाइजेशन ला रहे हैं कि हम हमारे तरीके से कुछ नया कर सकें अपने शूज़ के बिजनेस में। भले ही आज की युवा पीढ़ी विदेशी ब्रांड वाले जूतों की तरफ आकर्षित हो, लेकिन पुराने लोग, खासकर इंदौर के पुराने ग्राहक, आज भी इन्हीं दुकानों से खरीदारी करते हैं।